बच्चे आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो हम लोग आज एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, क्लास टू का है मेला। ये लेसन पढ़ेंगे हम लोग, ये मेला। तो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी, पर पाठ लंबा होने के कारण हम लोग पहले पढ़ लेंगे फिर समझा देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से बुक खोल के देखना, ये वीडियो जब देखोगे तब बुक भी साथ में खोल लेना, ठीक है। तो मेला, ये सर्वनाम का ज्ञान तथा मेले के द्वारा कुछ त्योहारों की जानकारी एवं अच्छा बनने का संस्कार दिया गया है। भारत विभिन्न त्योहारों का देश है। प्रत्येक त्यौहार की अपनी विशेषता होती है। दशहरा भी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरा विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहारों पर मेले भी देखने को मिलते हैं। एक बार दशहरे के मेले में सोनू, मोनू, निशा और कविता अपने पापा मोहन के साथ मेला देखने गए। मेले में बहुत भीड़ थी। एक और गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, एक और सर्कस था, वही दूसरी ओर मिठाई की दुकान थी। पास में ही एक खिलौने बेचने वाला खड़ा था। उसके पास अच्छे अच्छे खिलौने थे। कुछ दूरी पर बंदर बंदरिया का नाच दिखाने वाला बैठा था। सामने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ऊंचे ऊंचे पुतले दिखाई दे रहे थे। तो फर्स्ट पेज में है कि भारत एक विभिन्न त्यौहार मानने वाला एक देश है, जो भारत में हर त्यौहार मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा जो कहा ज़्यादातर धूमधाम से बंगाल में मनाया जाता है। तो यहाँ में दिया है कि यहाँ बच्चे सब कहा गया है मेले देखने गया है, सोनू, मोनू और निशा उसके पापा के साथ वो लोग मेला देखने गया है। तो मेला में क्या क्या दिखाई दिया उन लोगों को, खिलौने दिखा, खिलौने की दुकान दिखाई दिया, मिठाई और बंदर बंदरिया का नाच, और जो बड़ा बड़ा पुतला बनाया गया था ना, उसमें रावण का, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाया था, उन पुतलों को भी उन लोगों ने देखा है। सोनू, जल्दी चलो, हम रावण का पुतला के पास देखना है। सोनू ने बताया कि जल्दी चलो, हमें रावण का पुतला पास से देखना है, वो अभी जलाया जाएगा। तब मनु ने बोला, मनु वो तो दूर से ही दिखाई दे जाएगा, चलो पहले खिलौने ले लेते हैं। मोहन हाथ से इशारा करते हुए, बच्चों वो देखो गांधी जी के तीन बंदर है। कविता, पापा इन्हें गांधी जी के तीन बंदर क्यों कहते हैं? मोहन, बेटी इन्हें महात्मा गांधी जी अपने कमरे में सजा कर रखते थे। निशा, ये गांधी जी कौन थे पापा? मोहन, बेटी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लोग महात्मा गांधी जी के नाम से परिचित है। इनके काम ही ऐसे महान थे, लोग इन्हें भूल नहीं सकते। ये हमारे राष्ट्रपिता है, हम सब उनको प्यार से बापू कहा करते हैं। सोनू, इस बंदर ने मुंह पर हाथ क्यों लगा रखा है? मोहन, ये कहता है बुरा ना बोलो, सबको अपना मित्र बनाओ, मीठी वाणी बोलो, कभी बुरा मत कहो किसी से, सबसे प्यारा हो लो। मतलब कि ये मुंह में हाथ लगा रखा है तो बुरा नहीं बोलने का ये आप लोगों को ये सिखाया है कि सबसे मित्र बनाओ, मीठी वाणी बोलो, कभी बुरा मत कहो किसी से, सबके प्यार हो लो और सबके प्यारे हो। मोनू, दूसरे बंदर ने दोनों हाथ आँखों पर क्यों लगा रखा है? दूसरे बंदर दो हाथ अपने आँखों पे ऐसे बंद करके रखा है, तो क्यों? मोहन, ये कहता है
बुरा ना देखो, बुरा नहीं देखना है। दूसरे दूर करो सबके दुख भैया, मतलब बुरा नहीं देखना है, सबका दुख दूर करना है। ऐसी ज्योति जलाओ, बुरा ना देखो कभी किसी का, सबका सुख पहुंचाओ, मतलब ऐसे ज्योति जलाओ कि किसी का बुरा ना हो और बुरा देखना ही ना पड़े, सबके लिए अच्छा ज्योति जलाओ, मतलब अच्छी किरण लाओ। निशा, पापा इस तीसरे बंदर ने दोनों हाथ अपने कान पर क्यों लगा रखा है? मोहन, बेटी ये कहता है बुरा मत सुनो, क्योंकि हम लोग अगर दो कान ऐसे पकड़ लेंगे तो सुना ही नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि बुरा नहीं सुनना है। सबके साथ चलो मिलजुल कर, देश एक परिवार नहीं किसी की, सुनो बुराई भला करो व्यवहार। सुनो पापा उधर देखो, रावण जलने लगा पटाखा छूट रहे हैं। ये पाठ में ये दिया गया है कि हमें त्यौहार तो है ही, उसके साथ हमें अपना अच्छा भी कुछ सिखाया है। जैसे तीन बंदर, महात्मा गांधी जी का तीन बंदर था, और तीन बंदर में सबसे पहला बंदर अपना मुंह को ऐसे बंद करके रखा है, तो इसका यही मतलब है कि सबको अपना मित्र बनाओ। सबको क्या बनाना है? अपना दोस्त बनाना है। मीठी वाणी बोलो और हमेशा अच्छे बात बोलो। कभी बुरा मत कहो, किसी से भी कभी बुरा नहीं कहना है। सबको प्यार से लो और सबको प्यार से लेना है। और दूसरा वाला था बुरा नहीं देखना है, जो दो आँख बंद करके रखा था, तो इसका मतलब है हमें बुरा नहीं देखना है। और तीसरा वाला था कि दोनों कान ऐसे, दोनों कान बंद करके रखा, तो इसका मतलब है बुरा नहीं भी सुनना, किसी को बुरा बोलना भी नहीं है और किसी से बुरा सुनना भी नहीं, हमेशा अच्छा बोलना है और अच्छा सुनना भी है। तो सोनू, लास्ट में सोनू बताया कि पापा उधर देखो, रावण जलने लगा पटाखे छूट रहे हैं, मतलब रावण जब जल रहा था तो पूरे सब लोग क्या किया, पटाखा फुटाया ना। तो आप लोग ये पाठ को अच्छा से पढ़ना, और इसके बाद हम लोग उसका प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? शुक्रिया।